आपके स्टार्टर में इस प्रकार से अगर कोई वायर लगा हो उसे सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद वीडियो को ध्यान से देखिए, जैसा जैसा कनेक्शन बता रहा हूँ वैसा वैसा आप भी सेम टू सेम कीजिए। ऑटो स्विच के लेफ्ट साइड से 3 वायर जो निकल कर जाता है वो मेन फेस में लगता है। जैसा कि आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा है वैसा ही N और V का कनेक्शन कीजिए। उसके बाद S1 और V को आपस में ज्वाइंट कर दीजिए। उसके बाद S2 का कनेक्शन भी वैसा ही कीजिए जैसा यहाँ पे दिख रहा है। इतना कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद पावर सप्लाई ऑन कीजिए। लगभग 1 मिनट बाद ऑटो स्विच अगर ऑटो नहीं बना पाता तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट और सेकेंड वायर को आपस में पलट लीजिए। अब आपके स्टार्टर और ऑटो स्विच का कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।